हेलो दोस्तों मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि जो एन की एग्जाम होने वाली है वो किस प्रकार से किस शेड्यूल में होगी इसके बारे में हम बात करेंगे साथ में हम देखेंगे जो जो लेटर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो डी के द्वारा आया है और डी नई न्यू दिल्ली के द्वारा क्या दिया गया इस लेटर में किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करें सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उन्होंने कि जो एग्ज़ाम होने वाली है जो सेशन मान लो कि आपका सत्र है एडमिशन दो हज़ार इक्कीस तेईस में आता है तो सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे साथ में जिन बच्चों का एडमिशन दो हज़ार बाईस चौबीस टू ईयर के कोर्स में लिया है उनका फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में दो हज़ार बाईस तेईस में जिनका फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ है जिनका एक साल का कोर्सेस है वो भी यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रेनियों के बारे में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है इस लेटर के माध्यम से कि जिनका एडमिशन दो हज़ार इक्कीस तेईस में दो साल के कोर्स में हुआ है उसके टू ईयर के जो कोर्सेस है वो वाले रेगुलर बच्चे बैठेंगे साथ में दो हज़ार बाईस चौबीस में जो दो साल के एडमिशन लिया उसका फर्स्ट ईयर रहेगा वो बच्चे यहाँ पर बैठेंगे साथ में ही अगर दो हज़ार बाईस तेईस में आपने फर्स्ट ईयर या सिक्स मंथ का कोर्स करा है वो सभी बच्चों की एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है साथ में हम ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा एक एक बात बिल्कुल तारीख वाइज उन्होंने दे दिया है कि इस तारीख को यह होना है इसमें किसी भी प्रकार से कोई आगे पीछे होने के चांसेस नहीं है आपका रिजल्ट तक डिक्लेयर करा है उन्होंने इस लेटर के माध्यम से तो पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर फर्स्ट तारीख़ में क्या होने वाला है तो हम ये देखेंगे यहाँ पर आपको कि फर्स्ट जो प्रोफाइल वेरीफ़िकेशन होगा ना बच्चों का अगर आपकी मार्कशीट या नाम में कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर आप उसको सही करवा सकते हैं तो यह वाली जो डेट है यह आपका चालू हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा एक पाँच दो हज़ार तेईस से लेकर पंद्रह पाँच दो हज़ार तेईस तक अगर किसी बच्चे की मार्गशीट में या फिर उसके उसमें कोई चेंजेस आया है या कुछ खराबी है तो वो इसको यहाँ पर अभी जहाँ पर ये चेंजेस करवा सकते हैं तो अगर आप किसी भी प्रकार से आपकी मिस्टेक है तो उसको आप यहाँ पर चेंजेस करवा सकते हैं उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जो नोडल आई करेगा वो भी एक पाँच से लेकर बीस पाँच तक नोडल जो उसको वेरिफिकेशन करेगा वो यहाँ पर एक डेट दी गई है कि नोडल उसको अप्रूवल करेगा कि अगर आपकी ये सही है तो उसके बाद यहाँ पर ये वाली डेट होने के बाद में फिर होने वाला जो समय है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया है ना कौन कौन से बच्चे जिनके 80 परसेंट अटेंडेंस होती होती है वही एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया जो फिर उसका असाइनमेंट के जो नंबर मिलना है वो मिलेंगे साथ में उसके अटेंडेंस और फीस स्ट्रक्चर ये यह पूरा यहाँ पर सबमिट होगा तो ये कब होगा उनतीस पाँच से लेकर दस छः तक यानी मई उनतीस मई से लेकर आपका दस जून तक ये कार्यक्रम होना है जिसमें आपके अटेंडेंस असाइनमेंट मार्क्स और ये भी आपको यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे तो ये हमारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपकी उस समय अस्सी परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए वरना हो सकता है कि आप परीक्षा से वंचित हो जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ अस्सी परसेंट अटेंडेंस नहीं है तो कैसे भी करके आप कॉलेज में जाइए और अस्सी परसेंट अटेंडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है है ना उसके बाद में हम बात करें फ़ीस सबमिशन तो एक छः यानी एक जून से लेकर दस जून तक आपको फ़ीस जो पेमेंट रहेगा वो फ़ीस किसकी करना है सी प्रैक्टिकल की फ़ीस यहाँ पर जमा हो जाएगी आपकी एक छः दो से लेकर दस छः 2023 तक उसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिकल का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा कि प्रैक्टिकल में क्या, क्या क्या होने वाला है उसका पूरा उन्होंने शेड्यूल दिया गया है तो सबसे पहले क्या होगा उनतीस तारीख से उन्नीस तारीख उन्नीस से ले लेकर इक्कीस तक का होगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर मैपिंग होगी यानी जो स्टेट वाइज जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे उनकी मैपिंग होगी कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होना है जैसे आपको पता होगा कि प्राइवेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो गवर्नमेंट में ही एग्ज़ाम देते हैं तो इस प्रकार से वहाँ पर वो क्या होगी इनकी मैपिंग होगी साथ में हम देखेंगे एक और तारीख है तेईस छः से लेकर तेईस छः तक तो यहाँ पर क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनर की जो मैपिंग होती है वो होती है कि कौन से सर कहाँ पर एग्ज़ाम लेने जाएंगे किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी तो वो जो मैपिंग होना है वो तेईस छः से लेकर तीस छः तक यहाँ पर एग्ज़ाम की जो एग्ज़ामिनर है उनकी मैपिंग यहाँ पर की जाएगी फिर हम बात करें छब्बीस छः से लेकर छब्बीस छः से लेकर सात सात तक यहाँ पर क्या होगा आपका प्रैक्टिकल का जो हाल टिकट है वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और तीन से लेकर सात तक आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी तीन से लेकर सात तक आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम वहाँ पर जहाँ पर भी सेंटर आपका आएगा जो भी सेंटर बनेंगे वहाँ पर आपकी एग्जाम होगी साथ में तीन से लेकर चौदह तक इनमें क्या होगा कि आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो भी इसी टाइम पर यहाँ पर आप फील्ड करना पड़ेंगे जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसके ऊपर आपके यहाँ पर नंबर चढ़ाए जाएंगे तो उसका भी शेड्यूल उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो कब फिट हो जाएंगे तो तीन से लेकर तीन से लेकर चौदह तक यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद में अगर हम देखें तो सीबीटी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है उसके बारे में सीबीटी का भी टाइम टेबल उसी प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से मैपिंग होगी उसका भी शेड्यूल दिया गया है तो उसकी भी डेट सेम है उन्नीस से, से लेकर तेईस तक आपका सी एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग होगी उसके बाद में सी जो हॉल टिकट डाउनलोड होगा आपका ठीक है 28 छः से, से लेकर यहाँ पर सी का जो भी रहेगा जो सेंटर होता है वो होगा अट्ठाईस से लेकर तीस तक का क्या होगा सेंटर मैपिंग होगी साथ में दस से लेकर चार आठ यानी यहाँ पर दस सात दो से लेकर चार आठ दो तक आपकी जो सी बी टी सी बी टी के एग्ज़ाम है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको कंडक्ट कराया जाएगा व लास्ट में उनतीस तारीख को आपका उन्नीस आठ को आपका रिजल्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा तो पूरी तरह से आपका देखा गया यहाँ पर कि जो भी शेड्यूल है उसका पूरी तरह से आपके सामने आ चुका है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस होने वाला नहीं है जो बच्चे अभी तक इन्होंने जो अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर ले क्योंकि ये जो शेड्यूल जो आया है वो डिजिटी इंडो दिल्ली के द्वारा दिया गया है और जहाँ तक हो सकता है कि आपकी एग्जाम इसी के शेड्यूल के हिसाब से होना है तो एन सी बी टी वाला सभी दूर है एन सी बी टी कोर्सेस है तो वो बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें और जल्दी से जल्दी पढ़ाई पर लग जाइए और जितना भी हो सके ये वीडियो आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को बताइए कि एग्जाम शेड्यूल आ चुका है और वो अपनी तैयारी जारी रखें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर की धन्यवाद